हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और दोस्तों, आज एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है इलेवेंथ क्लास की, उसका सेकंड चैप्टर को हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। एक चैप्टर हो चुका है और नाइन्थ की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमी की, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। टेंथ की को कंप्लीट कर लिया है और अब हम जो है इलेवेंथ क्लास के एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर को आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपको नाइन्थ की एनसीईआरटी पढ़नी है और टेंथ की पढ़नी है, और फिर उसके बाद इलेवेंथ पर आना है। इलेवेंथ को साथ साथ ही पढ़ना है। जैसे आप अगर आज क्लास लोगे तो आज आपको इलेवेंथ ही पढ़ना है, लेकिन उन्हें भी पढ़ लेना है, क्योंकि बेसिक आपको अच्छे से मजबूत करना है तो आपको करना पड़ेगा, यानी सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, नाइन्थ को भी, टेंथ को भी और इलेवेंथ ट्वेल्थ को। और एक बार आपने कवर किया तो ये मान के चलिए आपका जीएस फाउंडेशन जो होगा वो बेहतरीन होगा और इकोनॉमी में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्या होता है, इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसमें ये माना जाता है कि बहुत चीज़ें सर से ऊपर उतर जाती है। बैंकिंग सिस्टम समझ में नहीं आता, शेयर मार्केट समझ में नहीं आता, और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो समझ में नहीं आती। दोस्तों, आपको समझाने के लिए ही, आपको समझने में आसानी के लिए ही ये एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की गई है, क्योंकि इसमें बेसिक से बताया जाएगा बिल्कुल। और इसमें हम जब बेसिक से बताएंगे, और जब हम बेसिक से बताएंगे तो क्या होगा, सारी चीजें जब बेसिक से शुरू होंगी दोस्तों, तभी आपके जो है समझ में आएगा अच्छे से। और ये बात आप अपने माइंड में फिट कर लो कि एक बार चीजें आपने बेसिक से समझ ली तो आपको आगे भी बड़ी तैयारी भी जब आप करोगे तो किसी भी तैयारी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज सेकंड चैप्टर शुरू होगा और सेकंड चैप्टर में शुरू करेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो, कल मैंने पढ़ाया था किसी भी देश की अगर इकोनॉमी को आपको जानना है तो पहले आप उसकी जो तो इतिहास को पढ़ो, मतलब उसका अर्थव्यवस्था को लेकर क्या इतिहास रहा। जैसे हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने क्या काम करा, भारत की अर्थव्यवस्था का पहले हमने मतलब अंग्रेजों का जो एरा रहा, ब्रिटिश जो शासन रहा हम पे 200 सालों तक, तो हमने पहले ब्रिटिश शासन में भारत की अर्थव्यवस्था को पढ़ा, यानी आज़ादी से पूर्व। चैप्टर यही था कि आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, यानी आज़ादी से पहले हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, क्या क्या उसके क्षेत्रक थे, किन किन क्षेत्रक का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान था, रोजगार की क्या स्थिति थी, शिक्षा की क्या स्थिति थी, और स्वास्थ्य सेवाएं कितनी जो है अच्छी थी। इन सारी चीजों को हमने पढ़ा। अब इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद जब देश आजाद होगा, और देश आजाद होने के बाद जो 1990 तक, मतलब इसमें दो तीन फेस में बांटा गया भारतीय इकोनॉमी को, एक तो ब्रिटिश एरा, दूसरा 1950 से 1990, और तीसरा दोस्तों 1990 के बाद, ठीक है नहीं, जो आज तक। तो हमने क्या काम किया, पहले हमने क्या काम किया, ब्रिटिश जो एरा है उसे अच्छे से पढ़ा कि उस समय इकोनॉमी की क्या स्थिति है, और दूसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1950 से 1990 तक की स्थिति कि भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। आज आप जिस भारत में रह रहे हो, आज आप देखते हो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां देखते हो, आज आप बड़ी बड़ी सार्वजनिक यानी सरकारी कंपनी देखते हो, ठीक है नहीं, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर, पीएसयू बोला जाता है। तो ये सारी चीजें एकदम डेवलप नहीं हुई, बड़े हिसाब से बहुत लोगों ने मतलब माइंड लगाया। आज आप देखते हो कि भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा भूखंड भारत है, अब इस भारत में सारी इकोनॉमी को कैसे चलाया गया। जब देश आजाद हुआ था देश गरीब था, देश के पास पूंजी नहीं थी, देश के उद्योगपतियों के पास पूंजी नहीं थी, ज्यादातर लोग कृषि पर आधारित थे, और वहां पर निर्धनता बराबर बनी हुई थी। जो सेवा क्षेत्र है उसका भी इतना विकास नहीं हुआ था, विनिर्माण क्षेत्र इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो कैसे इतने बड़े देश ने अपनी इकोनॉमी को जो है डेवलपमेंट की ओर लेके गया, तो इन सारी बातों को हम समझेंगे और एक प्रकार से इंटरेस्टिंग तरीके से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज हम सेकंड चैप्टर की। ठीक है, तो
दोस्तों भारत का जो विकास हुआ वो पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर हुआ, यानी जब भारत आजाद हुआ तो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये निर्धारित किया गया कि भारत का डेवलपमेंट कैसे किए। तो भारत का डेवलपमेंट सामाजिक जो अर्थव्यवस्था थी उसको आधार बनाकर पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर किया गया, यानी 5-5 साल के लिए उद्देश्य निर्धारित किए गए और उन उद्देश्यों को या उन लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास किए गए। तो ये जो आपके पास उस कुल लिखा हुआ है बॉक्स में, उसका मतलब ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है कि भारत में जो योजना चली आपके पास पहली दूसरी तीसरी 12वीं तक चली, तो उसके उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि एक विकास की डेवलपमेंट की एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करना जो रहन सहन के लोगों की जो लाइवलीहुड है, लोगों का जो जीवन स्तर है उसे डेवलप कर सके, यानी उसे समृद्ध बनाए जा सके, वो वैविध्यपूर्ण जीवन के अवसर उपलब्ध कराएं, यानी कि आपके पास लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किया जाए और लोगों के सामने कई सारे विकल्प हों अपना व्यक्तित्व विकास करने के लिए। तो ये जो योजनाएं लागू की गई भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, उनका मुख्य ध्येय यही था कि कैसे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए और कैसे लोगों के सामने उनके डेवलपमेंट के लिए विविध अवसर रखे जाए। ठीक है, तो इसमें आपके पास शुरुआत हम करते हैं। शुरुआत हम करते हैं परिचय से। तो परिचय में ये दिया हुआ है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के पास ना पैसे थे और एक राष्ट्र का निर्माण करना था, पूंजी थी नहीं, अंग्रेजों ने इतना भारत को खोखला कर दिया था आर्थिक रूप से कि भारत के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो एकदम डेवलपमेंट के रास्ते पर चल पड़े, और ना ही यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा था कि वो सारी चीजों को वहन कर सकें या नए नए उद्योगों को लगाया जा सके। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका जो दृष्टिकोण था थोड़ा सा समाजवादी था। समाजवादी का मतलब वो राष्ट्र को वरीयता देते थे कि जो उत्पादन के साधन हैं उन पर राष्ट्र का स्वामित्व रहे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नहीं तो राष्ट्र को वो वरीयता देते थे। तो आपके पास आया कि परिचय की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों भारत में ये एक सिस्टम था कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कौन सी विधि को अपनाकर भारत का डेवलपमेंट किया जाए। तीन विधि भारत के सामने थी उस समय, और युवा मतलब जो भारत के नेता थे वो समाजवाद से थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित थे। तो तीन चीजें भारत के पास थी। तीन चीजें भारत के पास क्या क्या थी? एक तो थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए या समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए, ये हमारे सामने सिस्टम था। और एक हमारे पास सिस्टम ये था दोस्तों कि मतलब पूंजीवाद को अपनाया जाए या समाजवाद को अपनाया जाए, कि राष्ट्र का नवनिर्माण किस प्रकार किया जाए, या फिर आपके पास वो उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1950 के आसपास, तो दोस्तों उस समय दो व्यवस्थाएं उभर कर आई थी। एक पूंजीवाद यानी जो वेस्टर्न कंट्री थे, अमेरिका के नेतृत्व वाले कंट्री थे, और एक आई थी समाजवाद। समाजवाद का मतलब सोवियत संघ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो दोस्तों दो पावर इमर्ज हो गया, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। एक पावर थी अमेरिका, अमेरिका और एक पावर थी दोस्तों सोवियत संघ। सोवियत संघ, ये दो पावर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है उभर के आए। अमेरिका जो है दोस्तों पूंजीवादी व्यवस्था का, पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और ये सोवियत संघ है समाजवादी। अभी हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था समाजवादी क्या होती है। तो भारत जब आजाद हुआ तो भारत के नेताओं के पास ये एक सोच थी या एक आगे पास दुविधा थी कि हम कौन सी अपने देश का, अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो कौन सी चीज को हम अपना के की तो मतलब करें, या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम अपनाएं या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम अपनाएं। तो इस प्रकार से भारत के सामने ये एक अनिश्चितता की स्थिति थी, क्योंकि भारत एक गरीब देश था उस समय। भारत के लोगों के पास मतलब संसाधन नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं था, तो उन लोगों को जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, तो उसके लिए समाजवाद को भी मतलब जरूरी था।
वहीं आपके पास इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाए, यानी कि जो विनिर्माण उद्योग है उसे कैसे डेवलप किया जाए कि लोगों को रोजगार मिले, तो उसके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी जरूरी था। तो पहले हम क्या काम करेंगे दोस्तों, भारत के विकास को पढ़ने से पहले हम इन तीनों व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हो कि भारत का डेवलपमेंट क्या हुआ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो भारत इसमें यही बातें लिखी हुई है कि भारत लोकतंत्र के प्रति भी वचनबद्ध था, और भारत में जो लोग थे वो भारत ये भी चाहता था कि लोगों को जो है भू स्वामित्व और प्रतिमानों या अन्य संपत्तियों से वंचित नहीं किया जाए, यानी कि निजी लोगों को भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया जाए। और भारत एक गरीब देश था, ज्यादातर लोग कृषि पर थे, निर्धन थे, तो भारत को उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना था। तो दोस्तों ये दो आपके पास विकल्प थे भारत के पास, या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए या समाजवादी। तो उस समय अर्थव्यवस्था के जो प्रकार थे वो यही थे दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वस्तु और सेवा का उत्पादन ये मार्केट तय करता है, मार्केट का मतलब बाजार की प्रक्रिया तय करती है। अगर किसी बाजार में, मतलब अगर मार्केट जो होता है किसी वस्तु की डिमांड कम हो रही है तो उसका उसकी मतलब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और डिमांड कम हो रही है तो प्रोडक्शन कम होगा, सीधी सी बात है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो मार्केट पर निर्भर करती है, मार्केट में जिस वस्तु की डिमांड है तो उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा होने लगेगा, जिसकी डिमांड कम है उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। आप भी देखते हो कि मार्केट में जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है वो महंगी हो जाती है, ठीक है, और आपके पास जिस वस्तु की डिमांड कम होती है सस्ती हो जाती है, और जिस वस्तु की डिमांड होती है तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था ये थी जो अमेरिकी और जो वेस्टर्न कंट्री थे उनमें थी। यहाँ क्या होता है, उत्पादन जो होता है वो सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, ये मार्केट की शक्ति पर निर्भर करता है। डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगी तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, इसमें जो वितरण है, वितरण आवश्यकता के आधार पर नहीं बल्कि जो वस्तुओं का वितरण होता है, यानी जैसे आपने सपोज करो आम की डिमांड बढ़ी तो उसका प्रोडक्शन हुआ, लेकिन आम बढ़ेगा कैसे, मतलब प्रोडक्शन जब मार्केट में जाएगा तो कौन लोग उसे खरीद पाएंगे, जिन्हें आवश्यकता है आम की वो खरीद पाएंगे या जिनके पास पैसे हैं जिम में वो खरीद पाएंगे। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, चीजों को लोग वही पर मतलब वही लोग वस्तुओं को खरीद पाते हैं जिनके पास क्षमता होती है खरीदने की, यानी कि उनकी जेब में, अगर कॉमन सी बात करें तो उनकी जेब में पैसे होते हैं, ठीक है, तो जिनके पास पैसे हैं वही वस्तु को खरीद सकते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं है वो वस्तु को नहीं खरीद सकते। और दूसरे और फिर एक और चीज, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का रोल कम हो जाता है, सरकार का इंटरफेयर कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट से सब तय होता है और निजी जो निवेश होता है वो ज्यादा होता है। तो ये वेस्टर्न कंट्री में सब में पूंजीवादी व्यवस्था है, वहां जैसे मार्केट में जिसकी डिमांड होगी उसका ही प्रोडक्शन होगा, नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी, ठीक है, और ये भी है कि जिसके जो भी प्रोडक्ट बनेगा ऐसे नहीं है कि वो सबको मिले, जिसके पास पैसे होंगे वो उसे खरीदेंगे, और सरकार का इंटरफेयर कम से कम होता है। तो जो विकसित देश है, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारे जो विकसित देश हैं, पश्चिमी देश, इसमें दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया है। तो आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि भारत को, देखो भारत के सामने विकल्प थे, भारत जब आजाद हुआ, क्योंकि उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो दो मतलब पूरा विश्व दो धुरी में बटा हुआ था, एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ था। अब हमें पता चल, मतलब अमेरिका में क्या व्यवस्था थी और सोवियत संघ में क्या अर्थव्यवस्था की व्यवस्था थी, यानी अर्थव्यवस्था का क्या प्रारूप था, उसे समझ कर तब हमें निर्णय लेना था। अब आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो उत्पादन के संसाधन होते हैं उस पर राज्य का अधिकार हो, उत्पादन के संसाधन जो होते हैं उस पर राज्य का अधिकार होता है, और राज्य ये तय करता है कि कितना किस वस्तु का उत्पादन किया है, ठीक है नहीं। समाजवादी में क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी होती है देश की वो सब किसके अंडर में होती है, सरकार, और सरकार ये तय करती है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन किया जाएगा, और सरकार ही ये तय करती है दोस्तों कि वस्तु जो है आवश्यकता के अनुसार मिले, यानी कि एक फैमिली में अगर पांच लोग हैं तो पांच लोगों के हिसाब से जो भोजन है, जो वस्तु है वो उन्हें मिले, ऐसा नहीं है कि पांच लोग हैं तो उनके पास पैसे नहीं तो उन्हें वस्तु ना मिले,
पूंजीवादी में क्या होता है, जिसके पास पैसा उसकी वस्तु। तो समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन है उन पर ज्यादातर राज्य का नियंत्रण होता है दोस्तों, और आपके पास जो प्रोडक्शन कितना होगा, कितना वस्तु का उत्पादन करना है कि नहीं करना है, ये सब सरकार तय करती है। और सरकार जो है आवश्यकता के अनुसार जितनी लोगों को मतलब जिसे जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार वस्तुओं का वितरण करती है। जैसे चाइना है, ठीक है नहीं, और क्यूबा है, और कुछ हद तक रसिया है, ठीक है। ये देश जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं, और इसमें क्या होता है निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं, यानी कि कोई निजी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जो भी आपके पास जो ज्यादातर संपत्तियां होती हैं वहां सरकार का नियंत्रण होता है। और अब थोड़ा थोड़ा ये भी अर्थव्यवस्था है, जो चाइना है या रशिया है, ये भी थोड़ा थोड़ा अर्थव्यवस्था खुली है, और इन्होंने निजी थोड़ा निवेश को भी बढ़ावा दिया है, लेकिन निजी निवेश पर सरकार का नियंत्रण है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी वाला जो है खुद डिसीजन ले सके, सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है, सरकार उसे अपने मतलब नियंत्रित कर सकती है। अभी आपने एक खबर काफी चर्चित थी कि जैक मा गायब हो गए, जैक मा गायब हो गए जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा उसके फाउंडर है। तो जैक मा की जो कंपनी अलीबाबा बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो चाइना में क्या है समाजवादी सरकार, तो उन्होंने हड़का दिया उन्हें जैक मा को कि आप ज्यादा मत बोलो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर सब चाइना के खिलाफ, या ज्यादा हमें सिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो आप जानते हो क्या होगा। तो जैक मा भाग गए हैं, आपके पास पता चल चुका है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार के नियंत्रण होता है। अब भारत में जो नेहरू उसमें प्रधानमंत्री बने दोस्तों, तो नेहरू के सामने ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके सामने दो बातें थी। एक तो ये थी कि ये लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह हों, यानी जनता के प्रति, क्योंकि तो भारत राष्ट्रीय आंदोलन चलाकर इतना लंबा उसे स्वतंत्रता मिली तो, और ये भी चाहते थे कि निजी निवेश को भी हतोत्साहित नियम ना किया जाए। तो इसलिए दोस्तों भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया, भारत ने आपके पास अपनाया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसलिए भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, ठीक है। अब भारत ने जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया तो इसमें क्या हुआ, तो देखो ये मैंने आपको बता दिया, सॉरी भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया, भारत ने क्या काम किया दोस्तों, पूंजीवादी और समाजवादी, क्योंकि तो भारत की सिचुएशन ऐसी थी कि नेहरू जो थे वो समाजवाद की ओर उनका रुझान ज्यादा था, तो इसलिए उन्होंने क्या काम करा, समाजवाद की जो अच्छाइयां थी उन्हें ली, और पूंजीवाद की भी जो अच्छाइयां थी उन्हें ली। तो भारत में दोस्तों ना तो इसे अपनाया गया और ना पूर्ण रूप से इसे अपनाया गया, इन दोनों का लगभग मिश्रण जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये होता है कि सरकार और आपके पास निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करें, यानी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करेंगे। जिन वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र कर सकता है तो उन वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र करेगा, और जिन वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र नहीं कर सकता तो उन वस्तुओं का उत्पादन क्या करेगी, सरकार को। तो शुरुआती स्तर पर जब आपके पास भारत का मतलब जब इकोनॉमिक मतलब योजनाएं बन रही थी अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करने के लिए, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, यानी जो भारी उद्योग हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं आपके पास, जैसे स्टील का निर्माण है, लोहे का निर्माण है, रेलवे का निर्माण है, पुलों का निर्माण है, यहाँ निजी क्षेत्र के पास इतना पैसा नहीं था तो उसने इन्वेस्ट नहीं किया, तो इसमें कहाँ किसने इन्वेस्ट किया, सरकार ने, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां सरकार ने, आप देखते होंगे कि स्टील की बहुत बड़ी कंपनी है मतलब सरकार चला रही है, लोहे के क्षेत्र में आयरन की चला रही है, यानी बड़ी बड़ी जो उद्योग थे जिसमें निजी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि निजी इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों, लाभ के लिए होता है, और वो वहीं पे इन्वेस्ट करता है जहां पर उसे लाभ दिखता है। लेकिन ये जो बड़े उद्योग हैं, क्योंकि हमें सरकार, भारत की जो सरकार है उसका काम क्या था, जनता के हितों की भी पूर्ति करना, लोगों को सस्ते आवास मुहैया कराना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, तो इसलिए जो भी चीजें शिक्षा है, स्वास्थ्य है,
ये सारी जो चीजें हैं इसमें निजी क्षेत्र इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि तो शुरुआती दौर में तो हमें लोगों के जीवन स्तर को सुधारना था। तो इसमें फिर किसने इन्वेस्ट किया? सरकार ने, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। आप देखते होंगे आपके गांव में भी एक हॉस्पिटल भी होगा, सरकारी स्कूल भी होंगे, और सब सरकारी होंगे, ठीक है नहीं, और निजी भी होंगे अब आके। लेकिन पहले निजी क्षेत्र के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो ऐसी कोई भी सामाजिक जो संस्थाओं में इन्वेस्ट करे जहां से उसे इनकम ना हो। तो इन सब के लिए क्या क्या आ गया है? सरकार। तो इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया कि कुछ क्षेत्रों में सरकार निवेश करेगी, सरकार चलाएगी, और कुछ क्षेत्रों में जिसे मतलब कुछ वस्तु और सेवा का उत्पादन निजी क्षेत्र करेगा, जिसमें वो कर सकता है अच्छा, जिसमें वो अच्छा कर सकता है वो करेगा, और जिसमें वो अच्छा नहीं कर सकता तो उन क्षेत्रों में सरकार इन्वेस्ट करेगी, ठीक है नहीं। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। तो भारत में कौन सी अपनाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में अपनाएगी। और फिर उसके बाद दोस्तों भारत में क्या हुआ, जब इंडिया का अब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आई तो भारत में अब जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने की व्यवस्था हुई। अब बात आई, ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं, अब बात आई कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दोस्तों योजना बनाए, आपने देखा होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको बता दी। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में ये अपनाई गई कि सरकार और बाजार मतलब ये आपके पास तीनों साथ काम करेंगे, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये होता है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि सारी चीजें जब देखो ये आपके पास तीन स्तर पर काम किया जाएगा। पहले स्तर पर काम किया जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि जिन चीजों में मतलब सरकार इन्वेस्ट कर सकती है तो उन चीजों में सरकार इन्वेस्ट करेगी, जो निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते, जो सेवा और वस्तु है, और जो जो निजी क्षेत्र उपलब्ध करा सकता है तो उसमें निजी क्षेत्र करेगी। और एक क्षेत्र ऐसा भी खोला गया कि जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे और सरकार निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करे। एक क्षेत्र ऐसा भी खोला गया कि सरकार जो है निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जब तो आपने देखा होगा कि कोई भी इन्वेस्ट करता है निजी क्षेत्र तो सरकार उसे भूमि उपलब्ध कराती है, यानी फैसिलिटेटर का काम करती है सरकार। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तीन चीजों पर हमने काम किया भारत के डेवलपमेंट के लिए। पहला चीज कि जिस क्षेत्र में निजी क्षेत्र इन्वेस्ट कर सकता है जिन सेवा और वस्तुओं का, तो वो निजी क्षेत्र करेगा। जिस क्षेत्र में आपके पास सरकार कर सकती है बड़े बड़े उद्योगों में, तो सरकार इन्वेस्ट करेगी। और जिस क्षेत्र में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं तो उसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमने व्यवस्था को अपनाया। और उसके बाद क्या क्या किया हमने, उसके बाद हमने ये किया कि अब क्या है, जब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया तो फिर हमें योजनाएं भी बनानी है। तो सरकार ने क्या काम किया, योजनाएं बना के एक योजना आयोग का गठन किया। और योजना आयोग का गठन करने के बाद वो आपके पास आ गया होगा, तो देखो सरकार ने क्या काम करा दोस्तों, योजना बनी। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए योजना क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था कि योजना जो बनाई सरकार ने उसका मतलब क्या था। उसका मतलब था कि देश के संसाधनों का हम कैसे मतलब यूज करें, कि देश के संसाधनों को हम बेहतर तरीके से कैसे यूज करें, ठीक है, और फिर लोगों के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए। तो इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने योजना बनाई। और गवर्नमेंट ने योजना बनाते हुए दो बातों पर याद ध्यान दिया, एक तो ये ध्यान दिया कि योजना के उद्देश्य क्या होने चाहिए, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशेष उद्देश्य। यानी एक सामान्य उद्देश्य होता है कि वो करना ही होता है, एक विशेष उद्देश्य के लिए भी योजनाएं बनाई जाती हैं जो आने वाले डेवलपमेंट के आधार का काम कर सके, ठीक है। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं ने जो दीर्घकालिक योजनाएं बनाई थी भारत के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए आधार का काम किया। अब आपके पास इन पंचवर्षीय योजनाएं जो भारत ने बनाई, योजना आयोग का गठन किया गया, वो योजनाएं बनाता था 5 साल के लिए और अपने उद्देश्य निर्धारित करता था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ये होता था कि सरकार फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 5 साल तक काम करती थी, और कुछ दीर्घकालिक भी उद्देश्य तय किए जाते थे जो भविष्य में डेवलपमेंट के लिए जरूरी थे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, योजनाएं जो बनाई गई। तो दोस्तों योजनाएं बनाते हुए किन किन चीजों पर ध्यान दिया गया, तो योजनाएं बनाते हुए आपके पास ध्यान दिया गया, एक तो
योजनाएं बनाते हुए चार चीजों पर ध्यान दिया गया। एक तो आपकी समृद्धि यानी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, दूसरा आपके पास आधुनिकरण, देश में जो उत्पादन के साधन है उनका आधुनिकरण करना, तीसरा आत्मनिर्भरता यानी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और चौथा आपका समानता यानी देश में जो उत्पादन होगा उसका समान रूप से वितरण करना। ठीक है, तो योजनाएं जो बनाई गई पंचवर्षीय योजनाएं उनके ये लक्ष्य रखे गए कि पहले समृद्धि, समृद्धि का मतलब देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करना, दूसरा आपके पास आधुनिकता यानी उत्पादन के जो साधन है या जो भी समाज की में जो सोच है, मतलब हर प्रकार से एक आधुनिकरण लाना सामाजिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी, और तीसरा था आत्मनिर्भरता यानी कि जींस जो हम भारत में बना सकते हैं उसमें हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और जो जरूरी चीजें हैं उन्हें ही हमें बाहर से आयात करना है, और था अगला पॉइंट समानता। समानता का था जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया गया उन्हें लोगों तक इक्वल रूप से कैसे वितरित किया जाए, लोगों तक समान रूप से कैसे पहुंचाया जाए, इस पर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो योजनाओं के ये चार उद्देश्य सेट किए गए और हम थोड़ा सा इन उद्देश्यों के बारे में ही अब पढ़ लेंगे। ठीक है, अब एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये जो योजनाओं का निर्माण हो रहा है दोस्तों, इन योजनाओं के निर्माण में कि एक सांख्यविद थे महान, आपके पास उनका नाम था महालनोबिस, ठीक है ना, एक सांख्यिकीविद थे, उनका बड़ा योगदान, उन्होंने क्या काम किया था वो चलो अभी आएगा मैं उनके बारे में पढ़ूंगा। पहले हम पढ़ते हैं कि ये योजनाएं जो बनाई गई इनके जो लक्ष्य हैं चार उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। पहला है आपका समृद्धि। समृद्धि का मतलब है कि देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी जनसंख्या दोस्तों, ठीक है नहीं, भारत जब आजाद हुआ और फिर लोगों के उपभोग की वस्तुएं पैदा करना भारत में, क्योंकि इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट है, लोग किन वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं जो नेसेसरी है, तो पहला काम तो यही था कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति को किया जा सके, आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और उनके जीवन स्तर को उठाया जाए। पहले तो उन्हें गरीबी से थोड़ा ऊपर ही उठाना था। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन या बैंकिंग या सहायक सेवाएं जो भी हैं उन पर फोकस किया गया। ठीक है नहीं, कि उससे क्या होगा, सेवाओं का क्षेत्र भी बढ़ेगा और उत्पादन का भी क्षेत्र बढ़ेगा। तो सबसे पहले देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वस्तुओं के उत्पादन और वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने पर फोकस किया गया। इसके लिए क्या काम किया गया, कोशिश की गई कि उद्योगों को लगाया जाए और उद्योगों को लगाने के बाद हर क्षेत्र में, देखो भारत की जीडीपी में मैंने आपसे बताया था पीछे जब हमने तिरेक क्षेत्र पढ़े थे 10th क्लास की जीडीपी में, मतलब 10th क्लास की एनसीईआरटी में, तो मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र और एक द्वितीय क्षेत्र और एक मैंने आपको बताया था तृतीय, इसमें सेवा आता है और इसमें आपका विनिर्माण आता है और इसमें आपका क्या आता है, ये विनिर्माण, ठीक है नहीं, और इसमें आता है आपका प्राथमिक में ये कृषि आता है। तो दोस्तों जो जीडीपी होती है जीडीपी में तीनों चीजों को काउंट किया जाता है। अब भारत को उत्पादन बढ़ाना है तो कृषि क्षेत्र का भी आधुनिकरण करना पड़ेगा, यहाँ भी उत्पादन बढ़ाने का काम करना पड़ेगा क्योंकि खाद्यान्न की पूर्ति करनी है, और दूसरा विनिर्माण क्षेत्र का इंडस्ट्री को भी बढ़ाना पड़ेगा, और तीसरा आपका सेवा क्षेत्र का कि लोगों को अगर जीवन स्तर को मतलब उनका बेहतर बनाना है तो दोस्तों उनके जो इनकम है उसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है नहीं, और सेवा क्षेत्र के लिए दोस्तों एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर, इन पर अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका था, तो ये जो आपके पास पंचवर्षीय योजनाएं हैं तो इनका पहला उद्देश्य था समृद्धि, और समृद्धि में भी देश की अर्थव्यवस्था में मैंने वस्तु और सेवा के उत्पादन को बढ़ाना यानी कि देश की जीडीपी को बढ़ाना, क्योंकि जीडीपी का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही जो है वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी जीडीपी की कि एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं का क्या मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी, यानी कि एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी का।
अब इसमें क्या है, कृषि है आपका, विनिर्माण है, तो इसका मतलब जीडीपी को बढ़ाना है तो कृषि को भी यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना होगा, इंडस्ट्री को लगाना होगा, और सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इन सारी चीजों पर हमें क्या करना होगा दोस्तों, इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, अब ये जो मतलब पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो इनका वो कहते हैं कि रचनाकार कौन था, इस व्यक्ति ने जो है दोस्तों इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए मतलब प्रयास किए, सरकार को सलाह दी, तो ये व्यक्ति, ये बहुत ही माइंडेड व्यक्ति थे, बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे भारत के, इनका नाम था महालनोबिस, जो शॉर्ट है नाम, ठीक है नी। इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने ही पंचवर्षीय योजना का आधार सेट किया, इन्होंने ही पंचवर्षीय योजनाओं को एक जो है मतलब रास्ता तय किया पंचवर्षीय योजनाओं का, और इन द्वितीय पंचवर्ष जो ये ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के से प्रारंभ होता है इनका प्लान, और इन्हें ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का दोस्तों निर्माता कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, मतलब जीके के लिए, कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माता कौन है, या भारत के जो प्रारंभिक विकास है उसका निर्माता कौन है, तो ये आपके पास एक सांख्यिकीविद थे, और इनका महालनोबिस ने बोला जाता है महालनोबिस ये, और इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, और इंग्लैंड से पढ़ आए थे, और ये बड़े प्रख्यात सांख्यिकीविद थे। इन्होंने क्या काम करा दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को मतलब भारत को इकोनॉमिक रूप से विकसित करने के लिए इन्होंने दुनिया के और भारत के अंदर जो इकोनॉमिस्ट थे वो चाहे समाजवाद के खिलाफ थे या समाजवाद के पक्ष में थे, या पूंजीवाद के खिलाफ थे, पूंजीवाद के पक्ष में थे, यानी उनके विचार जो भी थे सब लोगों को बुलाया गया और उनसे भारत के अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए विचार रखे, और उसके बाद तय किया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, भारत को डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ये तय किया कि भारत का जो विकास होगा वो पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर होगा, और द्वितीय पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना में तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, लेकिन दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग लगाने पर ध्यान दिया गया। भारी उद्योग का मतलब जिसमें ज्यादा पूंजी की इन्वेस्टमेंट होता है, जिसे निजी क्षेत्र नहीं लगाता, क्योंकि वो लोगों के हित के लिए मतलब उद्योग होते हैं, जैसे आपके पास स्टील है, स्टील का निर्माण, तो निजी उद्योग एकदम नहीं जाता उसमें, ये लोहे का निर्माण है, रेलवे का मतलब डेवलपमेंट है, तो निजी क्षेत्र नहीं जाता उसमें, जैसे रेलवे है तो लोगों के जीवन से भी जुड़ा हुआ है, लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो बाहरी उद्योग थे, बड़े बड़े उद्योग, ठीक है नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार आगे आई और सरकार ने बाहरी उद्योगों का निर्माण किया, क्योंकि इंडस्ट्री को डेवलप करना था, लोगों की जो आवश्यकताएं थी उसके लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन करना था, क्योंकि सरकार जो काम करती है वो लोक कल्याण के लिए करती है और उसकी कोशिश रहती है कि लोगों के जीवन स्तर को उठाया जाए। तो ये वो बंदे थे, और इन्होंने ही जो है कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, ISI, आप देखते हो वस्तुओं का ISI छपा रहता है, तो वो क्या होता है, एक लोगो होता है वस्तु की गुणवत्ता का, ठीक है। तो भारतीय जो सांख्यिकी संस्थान है उसकी स्थापना इन्होंने महालनोबिस ने की, और वो कहाँ है, कलकत्ता में स्थित। तो इस व्यक्ति के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति ही आज जो आप एक प्रकार से काफी डेवलप भारत में खड़े हो, तो उसका आधार व्यक्ति यही है, इन्होंने ही प्लानिंग करी भारत को डेवलप करने, ठीक है। तो हमने बताया कि शुरू में जो है भारत को डेवलप करने के लिए चार चीजों पर ध्यान दिया गया, पहला समृद्धि, समृद्धि का मतलब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन ज्यादा किया जाए, GDP का आकार बढ़ाया जाए, उसे बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में भी आपके पास वस्तु सेवाओं का उत्पादन करना पड़ेगा ज्यादा, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा इंडस्ट्री को, और सेवा क्षेत्र को भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में भी काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट है आधुनिकता, ठीक है। इसमें यही दिया हुआ है कि भारत में क्या हुआ कि, अभी ये बात को बताऊंगा मैं आपको, ये बॉक्स बात को बताएंगे, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वही इसमें लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट था आधुनिकीकरण, यानी कि अब भारत में सेवाओं और वस्तु का उत्पादन होगा,
ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी को अपनाना पड़ेगा। अब जैसे कृषि में हमें उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, नए बीजों को अपनाना पड़ेगा, अच्छे कीटनाशक का यूज करना पड़ेगा और सिंचाई के साधनों को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कृषि में क्या होगी, अच्छी पैदावार होगी। जैसे हरित क्रांति चलाई गई थी उस समय, तो हरित क्रांति क्या मतलब था, अच्छे बीजों का यूज किया गया, अच्छी मतलब मशीनरी का यूज किया गया उत्पादन के लिए, अच्छे कीटनाशक का यूज किया गया और अच्छा आपका किसका यूज किया गया, सिंचाई साधनों का। तो हरित क्रांति से भारत जो है गेहूं का उत्पादन इतना बड़ा कि भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी को अपनाना ही क्या होता है दोस्तों, आधुनिकरण होता है। तो अब क्या काम कर रहा है, हमने जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम, समृद्धि लाने का, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने का। लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी कैसे दोस्तों, जब आपका नई नई टेक्नोलॉजी को हम अपनाएंगे। और ये टेक्नोलॉजी हमें आर्थिक स्तर पर नहीं केवल सामाजिक स्तर पर भी अपनानी होगी। हमें आपके पास इन नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसका प्रयोग हमें करना होगा। क्या करना होगा, हमें शिक्षा को और स्वास्थ्य को भी आगे बढ़ाना होगा, जिससे जो भारतीय समाज है, जो आपके पास महिलाएं हैं भारतीय समाज में जो आधी आबादी है, तो हमें उन्हें भी पुरुषों के समान अधिकार देना होगा, और नारी जो महिलाएं हैं उनकी प्रति भाव का भी यूज करना होगा, उनकी जो उनके अंदर जो एक टैलेंट है उसका भी यूज करना होगा हमें भारत को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों केवल हमें टेक्नोलॉजी का यूज केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी हमें मतलब हर प्रकार से आधुनिकरण करना होगा, अपनी सोच को भी बदलना होगा, अपनी जो काम करने के तरीके हैं उन्हें भी बदलना होगा। सोच को बदलने का मतलब अब हमें उस आधी आबादी जो महिला अभी तक चार मतलब घर की दीवारी में बंद रहती थी, अब हमें उसके टैलेंट का यूज करना होगा। वो अच्छे से शिक्षा लेगी, अच्छे से स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करेंगी, तो वो अपना जो है बेहतर कर सकती हैं देश की अर्थव्यवस्था में, उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर उत्पादन को बढ़ाना है तो आपको अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा और उसमें हर टैलेंट का आपको यूज करना पड़ेगा। और आधुनिकता केवल आर्थिक स्तर पर नहीं बल्कि माइंड के स्तर पर भी हमें लानी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है अगला पॉइंट आपका आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों हमें क्या काम करना होगा, भारत को अगर आपको भारत बनाना है इकोनॉमिक रूप से तो आपको आत्मनिर्भर होना होगा, क्यों, आप हर चीज आयात नहीं कर सकते। कुछ चीजें जिन्हें हम अपने देश में बना सकते हैं तो उन्हें हमें बनाना जरूर पड़ेगा। ठीक है नहीं, तो इसका चौथा पॉइंट था आत्मनिर्भरता, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य का आत्मनिर्भरता। यानी कोई भी राष्ट्र जो है आधुनिकरण या आर्थिक समृद्धि केवल या तो अपने आप से अपने आप उत्पादित करें या फिर बाहर से सामान मंगा के फिर उसका प्रयोग करें तभी कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक लिमिट होती है आयात करने की भी, इसलिए हमें क्या काम करना पड़ेगा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें खुद ही टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, हमें खुद ही उन तरीकों को खोजना पड़ेगा जिससे हम क्या काम करें, एक विकसित भारत खड़ा कर सकें, एक डेवलप कंट्री खड़ा कर सकें। तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए दोस्तों हमें कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना होगा। उसके लिए हमने हरित क्रांति चलाया खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने के लिए। हरित क्रांति में हमने नए बीजों को एक्सेप्ट किया, नई तकनीकों को एक्सेप्ट किया और उसने रिकॉर्ड तौर पर जो है गेहूं की खेती हुई, और रिकॉर्ड तौर पर जब गेहूं की खेती हुई दोस्तों उससे भारत खाद्यान्न की आवश्यकता में आत्मनिर्भर हो गया। पहले हम अमेरिका से खाद्यान्न मंगाते थे, और दोस्तों जब हम आयात ज्यादा करते हैं बाहर से खाद्यान्न मंगाते हैं टेक्नोलॉजी मंगाते हैं तो बाहरी जो देश हैं वो उससे क्या होता है हमारी नीतियां प्रभावित होती हैं, हमारे देश की वो नीतियों को प्रभावित कर सकता है। अगर आप मान लो किसी एक देश पर टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर हो जाओ या किसी एक देश पर खाद्यान्न के लिए निर्भर हो जाओ तो वो देश की मतलब नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हमारी संप्रभुता की हमारी जो स्वतंत्रता है वो बाधित होती है। ठीक है, इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, अपने लिए रास्ते खुद ही खोजने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका अगला पॉइंट है समानता। अगर दोस्तों आपने समृद्धि आ गई यानी वस्तु और सेवा का उत्पादन अच्छा होने लगा, आपने आधुनिकरण कर लिया अर्थव्यवस्था का भी और समाज का भी, और आप आत्मनिर्भर भी हो गए, तो क्या इन सारी चीजों का सभी लोगों को फायदा हो रहा है? क्या एक बेचारा गरीब भी इस डेवलपमेंट से फायदा होगा उसे, क्या उसके पास भी एक डेवलपमेंट पहुंचेगा? तो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें समानता को बढ़ाना होगा कि जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी हमें लाभ मिल रहा है
वो सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए, यानी प्रत्येक भारतीय को उसका भोजन, उसका आवास, उसकी आपके पास शिक्षा और उसके स्वास्थ्य और उसकी स्वच्छता, ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं हर भारतीय को मिलनी चाहिए, तभी आपके पास मतलब आर्थिक विकास का लाभ हर भारतीय तक पहुंचेगा और इससे क्या होगा, असमानताएं कम होना होने में आसानी होगी। नहीं तो दोस्तों अगर पता चला कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसका लाभ एक वर्ग को हो रहा है, तो उससे क्या होगा, असमानता बढ़ जाएगी, उससे आपके पास असमानता बढ़ जाएगी। तो समाज में असमानता जब बढ़ती है तो उसके कई सारे जो है दुष्परिणाम होते हैं, निर्धनता बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है और आपके पास शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई कि हमने क्या अभी तक, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से शुरुआत से कि हमने क्या क्या पढ़ा और अब हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि जब देश आजाद हुआ तो देश के साथ पास ना तो संपत्ति थी और ना देश के लोगों की संपत्ति थी, हम इतने गरीब थे कि अपना विकास कैसा करना है यही हमारे समझ में नहीं आ रहा था। उस समय जब देश आजाद हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उस समय दो इमर्ज व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से उभर कर आई, एक पूंजीवाद और एक समाजवाद। तो हमने पूंजीवाद को समझा, पूंजीवाद में आपके पास वस्तु और सेवाओं का उत्पादन निजी क्षेत्र के हाथों में होता है, बाजार के हिसाब से उत्पादन किया जाता है, डिमांड के, जिसका डिमांड ज्यादा होगी उसका उत्पादन होगा और वस्तुओं को केवल वही खरीद सकता है जिसके पास पैसे हैं। समाजवाद में हमने देखा कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और राज्य ही तय करता है कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और राज्य तय करता है कि आवश्यकता के अनुसार वस्तु को मतलब लोगों को वस्तु प्राप्त हो, ठीक है, ये हमने पढ़ा। लेकिन भारत ने जो अपनाया, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, क्योंकि भारत लोकतंत्र लोकतांत्रिक देश था, हमें अपने लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना था, इसलिए कुछ क्षेत्र सरकार के अंडर में भी आने थे और हमें जो निजी निवेश है उसे भी हतोत्साहित नहीं करना था। तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, ना हम पूंजीवादी हैं ना हम समाजवादी हैं, मिश्रित, दोनों को मिला के, दोनों की अच्छी अच्छी बातें ली हम। तो भारत में क्या काम करा, जो क्षेत्र जिसमें निजी निवेश आ सकता था वो लोग जो वस्तुओं का उत्पादन कर सकते थे, प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया, और जो भारी उद्योग थे जिसमें प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर सकता था क्योंकि तो उसके पास भी इतनी पूंजी नहीं थी, वो सरकार के लिए छोड़ दिया गया, सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया। और एक क्षेत्र खोला गया कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सरकार निजी क्षेत्र को फैसिलिटेटर काम करेगी, प्रोत्साहन का काम करेगी, तो दोनों मिलकर काम करेंगे, एक क्षेत्र ये तय किया गया। और फिर हमने देखा कि भारत का विकास कैसे किया जाए, तो पंचवर्षीय योजनाओं को हमने विकास का आधार बनाया और मैंने बताया पंचवर्षीय योजना का जन्मदाता कौन था, यही थी महान महल नोबिस, इन्हें ही पंचवर्षीय योजनाओं का पिता कहा जाता क्योंकि इन्होंने ही पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर भारत के डेवलपमेंट की बात को कहा, कई सारे अर्थशास्त्रियों को इकट्ठा किया, फिर आगे चीजों को ले गए, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाएं जब शुरू की गई तो उनके उद्देश्य क्या रखे गए, तो पहला उद्देश्य समृद्धि यानी देश की आर्थिक मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, दूसरा उद्देश्य आपका आया आधुनिकता यानी देश का आधुनिकरण करना आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, और तीसरा आया आपका तीसरा क्या आया था, तीसरा ही आया था आत्मनिर्भरता यानी देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में और आया और भी चीज मशीनरी के क्षेत्र में और भी चीजों में आत्मनिर्भर होना, क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर होते हो तभी आपकी विदेशी नीति या आपका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, आप अपनी स्वप्रभुता की रक्षा कर सकते हो। और चौथा बताया था कि आपने अगर चीजों को अच्छे से मतलब ग्रोथ कर ली, आधुनिकरण भी हो गया, आत्मनिर्भर भी हो गए, लेकिन क्या इस चीज का फायदा सब लोगों को पहुंच रहा है, गरीबों तक ही पहुंच रहा है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए दोस्तों समानता छोटा हो सकता कि जो भी लाभ हो रहा है वो सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए, यानी गरीबों की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, भोजन है उनका, आवास है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वो भी सारी इन सब लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल आप यहाँ हम यहाँ तक ही करेंगे और कल हम जो है इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे इसी चैप्टर का, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, अच्छे से समझाने के लिए एक वीडियो में मतलब कंप्लीट नहीं किया जाता है क्लास में, तो काफी बड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा लेक्चर। तो इसलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, अब मैंने आपको बेसिक बता दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हमने क्या क्या चीजों को अप्लाई की मतलब लिया गया, पंचवर्षीय योजनाओं को और उनके उद्देश्य क्या थे। अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में कि 1950 से 1990 तक की अब जो व्यवस्था चली अर्थव्यवस्था, उसमें हमने क्या क्या चीजें लागू की या कैसे हमारा आर्थिक विकास का एक रास्ता हमने तय किया, अब हम इस चीज को अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही,
और आप अच्छे से क्लास को डेडिकेटेड रूप से पढ़ते रहिए, और आप लोगों को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ये आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आपको नॉलेज मिल रहा है, हमारे लिए भी अच्छा है। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, लगातार जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओनली एग्जाम फोकस, और ओनली एग्जाम फोकस ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, आपको हर क्लास की जानकारी मिलेगी। और उसके बाद अपनी तैयारी में पैनापन जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए, बेसिक को क्लियर कीजिए, कंसेप्ट को, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो चीजें आप क्वेश्चन अपने आप बना लोगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल अगली अगली क्लास में, अगले जो है चीजों के साथ, कि अब भारत ने 1950 से 1990 तक कैसे डेवलपमेंट किया, ठीक है दोस्तों। बस पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। ओके, मिलते हैं कल कल की क्लास में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।